हर लड़के की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसके पापा से उसकी बातचीत बंद हो जाती है। ऐसा ही टाइम मेरी लाइफ में भी आया, थैंक्स टू वो पड़ोस वाले अंकल होते हैं ना। अब पड़ोस वाले अंकल को मुझसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, और वैसे भी आपके पड़ोस वाले अंकल को आपसे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए तो आप मान लो कि आप लाइफ में बिल्कुल सही जा रहे हो। अपने पड़ोस वाले अंकल के बेटे, अपने गुड्डू भैया, एकदम घोड़े टाइप के आदमी थे, US में सेटल्ड थे। अंकल ने उनको एक आँख में IIT और दूसरी आँख में IIM का पर्दा डाल के उनको ऑन साइड तक की रेस पूरी जितवाई थी। अंकल को मुझसे हमेशा ये प्रॉब्लम रहती थी कि मैं धीरे धीरे करके बिगड़ रहा हूँ। मोहल्ले में थोड़ा बहुत हो हल्ला किया तो बिगड़ गए, मोहल्ले में नीचे क्रिकेट खेल लिया, किसी का शीशा तोड़ दिया तो बिगड़ गए, किसी के साथ घूमने चले गए तो बिगड़ गए, दोस्तों के साथ फिल्म देखने चले गए तो बिगड़ गए, और गलती से अगर दोस्तों में कोई लड़की है तब तो बिगड़ेपन में PhD दे दी अंकल ने। सब कहते थे कि गुड्डू भैया जैसा बनो, पापा को भी यही सही लगता था कि जो सपने उन्होंने मेरे लिए देखे हैं वही सही हैं। लेकिन मेरे सपने कुछ अलग टाइप थे, उसमें कोई IIT नहीं था, उसमें कुछ किस्से थे, कुछ कहानियाँ थीं, कुछ कविताएँ थीं, कुछ हमारा टाइप के दोस्त थे, और मैं था। मैं गुड्डू भैया नहीं बना, यानी कि मैं घोड़ा नहीं बना, इसलिए सबकी नज़रों में बिगड़ गया। पापा को मेरे लिखने से चिड़सी हो गई थी, एक तो इतने साल बाद मेरी नौकरी लगी, और उसके बाद भी जब मैंने किताब लिखना शुरू किया तो वो भी हिंदी मीडियम। उधर अंकल भी जब कभी कभार गलती से घर आ जाते तो धीरे से एक टॉन्ट मार देते कि दुबे जी, डिप्पी जो है वो ओके कर रहा है, लेकिन गुड्डू की बात तो अलग ही है। अच्छा, ये तो हो गई अंकल की बात, लेकिन उधर जब गुड्डू भैया मुझसे मिलते तो हमेशा कहते, यार तू कितना लकी है, तू घोड़ा नहीं बना, तूने कम से कम बिगड़ने की हिम्मत तो दिखाई। जो बिगड़ते हैं ना वही कुछ बनने की गुंजाइश रखते हैं। गुड्डू भैया हमेशा कहते थे कि अपने आप को अंदर ही अंदर बिगाड़ने से बढ़िया है दुनिया की नज़रों में बिगड़ जाना। इस टाइम के बहुत सालों बाद किताब आ भी गई, किताब चल भी गई, पेपर में इंटरव्यू आने लगे, फ़ोटो आने लगी, लोग कॉलेज में लेक्चर के लिए बुलाने लगे, TEDx भी हो आया, स्टोरीबाजी भी करने लगा, सब कुछ हो गया, लेकिन पापा नहीं बदले। एक बार शायद बैंगलोर एयरपोर्ट की बात है, मैं और पापा कहीं जा रहे थे, इतने में एक लड़का पीछे से आया, उसके हाथ में मेरी किताब थी। उसने मेरी तरफ किताब बढ़ाई और कहा, भैया इस पर ऑटोग्राफ दे दीजिए। अब मैं पापा के सामने ऑटोग्राफ देते हुए शर्मा रहा था। इतने में उस लड़के को पता नहीं क्या हुआ, उसने पापा की तरफ देखा और कहा कि अंकल, अगर आप मेरे पापा होते ना तो काश मैं भी ये सब कुछ कर पाता। उस लड़के के जाने के बाद पापा एकदम सन, कुछ बोले ही नहीं। फिर वहीं एयरपोर्ट पे थोड़ी देर बाद मुझे अपने पास बुलाया और कसकर गले लगा लिया। बहुत दिनों बाद, मुझे लगता है शायद बहुत सालों बाद, सख्त और नाराज़ पापा के अंदर का जो एक इमोशनल पापा होता है ना, वो मुझे उस दिन दिखाई पड़ा। उस दिन सच में बड़ा ही प्राउड फील हुआ अपने बिगड़ जाने पर। आप भी तलाशिए ना कभी अपने अंदर का बिगड़ा हुआ लड़का, क्योंकि जो बिगड़ते हैं ना वही कुछ बनने की गुंजाइश रखते हैं।